क्वेश्चन के स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे पास इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। और हम कर रहे हैं इक्वेशन के ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास हम इक्वेन की हम फिगर या शेप ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं, ठीक। तो अब वो कर्व किसी भी तरीके का हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कोई पॉइंट भी हो सकता है, या हमारे पास कोई किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, ठीक है। तो वो इक्वेन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जिस तरह की इक्वेशन होगी उस तरीके का उसका कर्व बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होती है कि हमारे पास दो नॉन पैरेलल लाइंस जो होती है ना, कि हमारे पास नॉन पैरेलल लाइंस है तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर क्या करेंगी, टच करेंगे, पास करेंगे एक दूसरे से। तो ये देखिए, ये पॉइंट जो है इसका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इंटरसेप्ट क्या होता है, देखिए इंटरसेप्ट ये जैसे मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारे पास दो कर्व हो सकती है, दो हमारे पास कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो ऐसे इंटरसेक्ट करें, हमारे पास वो एक पैराबोला भी हो सकता है, ऐसे सर्कल भी हो सकता है, वो आपस के अंदर क्या कर रही हो, टच कर रही हो, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि हम एक्सिस की बात नहीं करते, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो अगर हम कोई इक्वेन जो है इसका कर्व ग्रो करें, ठीक है। अभी हमारे पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेन बन रही है, और हमारे पास विथ टू वेरिएबल, ठीक है। और हमारे पास अगर क्या कहते हैं, हमारे पास अगर जिस इसने यानी एक्सिस के ऊपर जहाँ पर ये टच एक्सिस को कट करेगी, एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, अब लाइनों की बात नहीं होती, इसका जो भी कर्व बनता है हमारे पास, जैसे ये एक मेरे मिसाल के तौर पे ये कर्व बनना है, तो ये जो इसने इस पॉइंट पे वाई एक्सिस को क्या किया, कट करा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं कहलाता, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट कहलाता, इंटरसेप्ट कहलाता बेसिकली, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ वाई इंटरसेप्ट। और इधर एक और बात आपके मुशाहिदे में आ रही है, एक और बार क्या मुशाहिदे में आ रही है, वो ये बात आ रही है इंटरसेप्ट, ठीक है। मुशाहिदे में ये बात आ रही है कि जो जाहिर सी बात है, अब इसने वाई एक्सिस के ऊपर इसको इंटरसेप्ट किया है, यहाँ इधर इंटरसेप्ट बनना है, तो इसका एक्स क्या बनेगा, एक्स इसका जीरो होगा। तो याद रहे कि अगर वाई इंटरसेप्ट जहाँ भी आपका बन रहा होगा किसी भी शेप का, तो वहाँ पर ये बात श्योर है कि आपके पास जो x होगा वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो है ना, इस पॉइंट पे इसने क्या बनाया है, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इधर भी ये बात श्योर है कि जहां पर x इंटरसेप्ट होगा, जहां पर भी बनेगा, तो वहां पर हमारे पास y क्या होगा, जीरो होगा। जाहिर सी बात है, देखिए y की तरफ कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो ये इस पॉइंट पर हमारे पास y क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इंटरसेप्ट। थोड़ी सी इसकी हम एक क्वेश्चन करते हैं तो इससे रिलेटेड आपको बात और बेहतर समझ आएगी, ठीक है ना। अब हमारे पास ये इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, इन्होंने कहा है कि फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस सिक्स, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से देखिए फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ हमारे पास इक्वेशन क्या लिखी हुई है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास एक्स प्लस माइनस सिक्स, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट ढूंढना है, इंटरसेप्ट क्या होता है कि हमारे पास इसकी जो भी शेप बनेगी, इसकी हमारे पास जो भी शेप बनेगी ना, ठीक है, इसकी जो भी शेप बनेगी, तो वहाँ पर मैंने अभी क्या बताया है कि जाहिर सी बात है वो एक्सिस के ऊपर कट करेगी, उसको इंटरसेक्ट करेगी। और अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर, हम एक्स एक्सिस के ऊपर कट करती है, यहाँ पर कहीं भी कट करती है, इस लाइन के ऊपर आएगी, तो इस पूरी लाइन के ऊपर ये फिगर कहीं भी इसको कट करेगी, तो वो इसका क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट, और इस लाइन के ऊपर वाई क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो अब देखिए मुझे वाई इंटरसेप्ट ढूंढना है, तो मैं क्या कर लूँगा, वाई को मैं कर लूँगा जीरो, वाई को जब मैं जीरो करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और इक्वल हमारे पास प्लस एक्स, और हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर मैं इसकी वैल्यू देखना चाहूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो मैं अगर इधर से एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं
इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन लूँ, तो मैं इधर से क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 3, सॉरी इसको लिख सकता हूँ -2x, ठीक है, और +3x और -6 = 0, ठीक है। ये मैंने इसको क्या कह रहा, मिडक्रम ब्रेक कर रहा, इस वाली चीज़ को मैंने यहाँ लिख के इसको मिडक्रम ब्रेक कर लिया है, ठीक है। मिडक्रम ब्रेक क्या होता है कि हम फर्स्ट वाली और आखिरी वाली को मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो हमारे पास जो चीज़ बनती है ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, x² और -6, ठीक है, ये हमारे पास बनेगी कुछ। तो हमें मिडिल वाली जो टर्म होती है उसको इस तरह से ब्रेक करना होता है कि उनका सम करें तो वापस वो इसी के बराबर आ जाए, और इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास इनका और इनका जो मल्टीप्लीकेशन में बना था वही इसकी वैल्यू बने, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं 3x में से 2x निकालूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, वापस x ही आएगा, तो हमारे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं x इधर से कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x - 2, ठीक है, और हमारे पास दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ अगर मैं +3 अगर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x - 2 = 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दो फैक्टर बन जाएंगे x + 3, ठीक है, और हमारे पास दूसरा फैक्टर बनेगा x - 2 = 0। और अब हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, तो हमारे पास दो इसकी वैल्यूज़ बनेंगी, ठीक है ना। तो हमारे पास एक वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास एक वैल्यू बनेगी x + 3 = 0, दूसरी तरफ क्या बनेगी x - 2 = 0, ठीक है। और अब हमारे पास क्या हो जाएगी, x = -3, और दूसरी तरफ क्या बनेगी, x = +2, ठीक है। तो देखिए, ये दो पॉइंट आए हैं जहाँ पर हमारे पास इसका इंटरसेप्ट बनेगा। देखिए कौन कौन से पॉइंट आए, तो हमारे पास जो है ना, एक पॉइंट जो आया वो क्या आया, -3, ठीक है, -3 आया, तो -3 तक कहाँ लाई कर रहा है, 1, 2, 3, तो ये हमारे पास आ गया x इंटरसेप्ट। मैंने क्या बताया था, जब भी इंटरसेप्ट होता है तो दूसरा जो एक्सिस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, यानी दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट, अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम एक वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए -3, और दूसरा जो इंटरसेप्ट बना है वो कहाँ बना है, +2, तो +2 का है 1, 2, हमारे पास ये वाला बना है, ठीक है, हमारे पास ये वाले पॉइंट बने, ठीक है। और अब देखिए, हमने ये दोनों फाइंड आउट करे, अब हमारे पास जो है ना, अगर हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें तो y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए अब इसकी इसकी कर्व क्या बननी है, हमें नहीं मालूम, इसकी कर्व हमें नहीं मालूम क्या बननी है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ क्या कहा है कि हमें क्या कहते हैं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास x इंटरसेप्ट, ये हमारे पास दोनों क्या है, x इंटरसेप्ट आए, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ टाइम की वजह से। और अब देखिए, इसी इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को जो है ना, अगर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ इन सबको, ठीक है, ये हमारे पास इसको भी इरेज करता हूँ, ठीक है। और अब देखिए, मैं जो है ना, मैंने पहले क्या करा था, ये मेरे पास आ गई, अब हमारे पास जो है ना, एक्स को हम क्या रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स को हम ज़ीरो रखेंगे। अब एक्स को जब हम ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं x = 0 रखता हूँ तो हमारे पास y, ठीक है, और हमारे पास 0² + हमारे पास 0 - 6, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो हमारे पास देखिए 0² = 0, फिर +0, तो हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, -6, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आया है, -6, तो हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है, ये कुछ यहाँ बनना पॉइंट, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, सही है, सॉरी 5 नहीं, ये 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये यहाँ बनना -6। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास y, हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये अगर मैं पॉइंट को यहाँ पर सही तरह से लिख दूँ, ये वाला पॉइंट है, तो अब हमारे पास ये y इंटरसेप्ट जो आया, इसके पॉइंट क्या बनेंगे हमारे पास। मैंने क्या कहा था, जब भी हमारे पास इंटरसेप्ट निकालते तो हमारे पास y इंटरसेप्ट निकला है तो हमारे पास x क्या होगा, 0 होगा, देखिए 0 ही है, x क्या है, इधर 0 ही होगा, और y क्या है हमारे पास, -6, ठीक है। और अगर इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट है, तो हमारे पास क्या होगा, इधर y हमारे पास 0 होगा, और x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 2, और y क्या होगा, 0। इधर अगर मैं लिखूं तो हमारे पास ये देखिए क्या है, -3, और y क्या होगा, 0 होगा, इधर देख भी सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गया, x इंटरसेप्ट, ठीक है,
इंटरसेप्ट, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, ये भी एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये भी इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये भी वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब इसकी क्या फिगर है, सॉरी इसकी क्या कर्व बनेगा, वो हमें नहीं कहा गया, सिर्फ हमें ये कहा था कि फाइंड द क्या कहते हैं, फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इसको आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर।